कर दोस्तों, क्या आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं? मुझे पता है तीन एप्लीकेशन की मदद से आप लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सबसे पहला हो गया फ्लिपकार्ट, दूसरा हो गया अमेजोन, तीसरा हो गया मीशो। मीशो एप्लीकेशन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही कम कीमत पे आपको प्राइस के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। इस वजह से लोग, बहुत सारे लोग अब मीशो के अंदर आ चुके हैं। एंड जो फ्लिपकार्ट है उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे आपको रिटर्न का बहुत अच्छे से आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर कोई पार्सल इम्पटी हो जाता है तो वहाँ पर आपको उसका पैसा जल्दी ही मिल जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर एक ऐसी दिक्कत है, वहाँ पर अगर आप लोग कुछ ऐसी इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। अमेज़ोन के अंदर ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो अमेज़ोन है वो टाइम लगाता है। सो गाइस, स्पेशली ये वीडियो होने वाला अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एंड गाइज, अगर आप लोग फ्रॉड करते हैं, चाहे आप एक डिलीवरी बॉय हो चाहे आप एक कस्टमर हो, जो फ्रॉड होता है वो दो तरीके से होता है। वैसे उससे ऊपर ही फ्रॉड होता है, उन सभी के बारे में मेरे को पता है। बट गाइज, जो फ्रॉड होता है, मेन फ्रॉड होता है, वो होता है सबसे पहला कस्टमर की ओर से। आपने कोई भी एक सामान ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में उसके अंदर जो चीज़ आपको मिली है, मिलने के बाद में भी आप लोगों ने या तो उसको रॉन्ग प्रोडक्ट बता देते हैं या आप लोग बोल देते हैं कि इम्प्टी पार्सल है। सो मैं क्या सही सोच रहा हूँ? मुझे पता आप चोर हो, आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आप सभी को एकदम ऐसे नहीं बोलूँगा। और गाइस, दूसरी बात आती है डिलीवरी बॉय। एक बार जो डिलीवरी बॉय भी इस प्रकार का कर सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी सामान ऑर्डर कर देता है एंड वहाँ पे एक्सचेंज कर देता है, ऐसे में कंपनी को पता नहीं लग पाता। तो इस प्रकार से लोगों का, जो सेलर होता है उसका नुकसान हो जाता है। तीसरी बात होती है कि अगर आप एक कस्टमर हो, आप लोग क्या करते हो, उसको एम्प्टी पार्सल बता देते हो। एम्प्टी पार्सल के अंदर तो आपका पैसा आ जाता है, लेकिन अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट बता देते हो तो जो डिलीवरी बॉय है वो आपसे पैसे की डिमांड करता है कि मैं आपसे 30% लूँगा और मैं इसको रिटर्न करवा दूँगा आपका पैसा, और आपका पूरा जो भी पैसा है वो आ जाएगा। लेकिन ऐसे में कहाँ तक सही रहेगा? सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग करते हैं इस प्रकार का फ्रॉड तो आपके साथ में क्या हो सकता है? हाल ही में एक वीडियो सामने आया जहाँ पे एक बंदा था, एक डिलीवरी बॉय था, वो क्या करता था, अपने नंबर से चार पाँच सिम ले रखा था और उससे अलग अलग प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता करता था। जैसे एप्पल का एयरपोड हो गया, ऐसे इस प्रकार की जो एप्पल की ईयरफोन आ गई, इस प्रकार से महंगे प्रोडक्ट ऑर्डर करता था। और जैसे ही उसको जो प्रोडक्ट रिसीव होता था तो उस टाइम पर वो क्या करता था, वहाँ से उस प्रोडक्ट को निकाल के या तो उसको एम्प्टी छोड़ देता था या उसके अंदर पत्थर रख देता था या कोई भी दूसरा आइटम रख देता था और बोलता था उसके अंदर जो इश्यू आती है कि वहाँ पे जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को नहीं ले सका, या कुछ ऐसी इश्यू डाल देता था जिससे कोई भी पता ना लगे। सो गाइस, इस प्रकार से फ्रॉड करने के बाद में जैसे ही शक हुआ कंपनी को, तो उन्होंने केस किया। केस करने के बाद में पता लग जाए, पूछताछ में जो सारी चीज़ें वो उससे बरामद हो गई और उसके ऊपर अब धारा लग चुकी है एंड उसको अब जेल भेज दिया गया है। सो इस प्रकार के फ्रॉड से आपको बचना है। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन